शासन प्रशासन से लेकर कांग्रेसी तक नहीं पहुंचे जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माला अर्पण करने। हमीरपुर में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण तो दूर नहीं हुई सफाई। पूरे देश में बच्चों से विशेष स्नेह रखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बड़े दुख की बात है कि कोई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों और कांग्रेसी नेता भी नेहरू जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करने नहीं पहुंचे। जनपद हमीरपुर के थाना व कस्बा राठ में पुरानी तहसील गेट के सामने बनी नेहरू जी की एकमात्र प्रतिमा पर भी नहीं दिया किसी ने ध्यान। अब तो कहना पड़ेगा मेरा देश बदल रहा है। मेरा नाम शिव कुमार। भैया यहाँ तहसील परिसर के सामने आप दुकान किए हुए हैं और यहाँ पे एक जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा भी बनी हुई है, तो क्या आज उनकी साफ सफाई या माल्यार्पण हुआ है अधिकारियों के द्वारा? कोई नहीं नहीं हुआ है। आज बाल दिवस है, आज की साफ सफाई भी होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू की जरूरी हुई है, हम ये कह रहे हैं कि आज के दिन में छोड़ना चाहिए। ये सबको माना भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पूरे में धूल पड़ी हुई है, उसको साफ सफाई का ध्यान रखें। आज कोई अधिकारी या कोई जिम्मेदार अधिकारी आया यहाँ पे प्रशासनिक? नहीं नहीं कोई भी नहीं आया है। तो एक ये लापरवाही नहीं मानी जाएगी? नहीं नहीं हाँ लापरवाही है। और प्रधानमंत्री का अपमान भी माना जा माना हाँ माना गया है। अच्छा क्या नाम है आपका? शाहिद। क्या यहाँ पे आपकी दुकान के बगल में जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा बनी हुई है, आज उनका जन्म दिवस है, बाल दिवस है, क्या हुआ यहाँ पे कुछ साफ सफाई कुछ हुई है? हिंदुस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं, आज आपका खास दिन है, कोई सफाई का कोई आया नहीं है कर्मचारी। पुरानी तहसील गेट की प्रतिमा है ये? हाँ। कोई प्रशासनिक अधिकारी आए? कोई नहीं आए। क्या मानेंगे आप इस लापरवाही को? भूल है सरकार की, अधिकारियों की लापरवाही है? लापरवाही तो है ही। देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उनका अपमान माना जाएगा ये? अपमान तो है ही, क्योंकि हर मौके पर उनकी सफाई होती है, माला अर्पण होता है, सब कुछ। आज कुछ नहीं हुआ? आज कुछ नहीं हुआ।